Hi guys, wish you a very, very good evening. This is me, Aish Joshi, and you are watching me on the channel of TYS. So here I am with you at this time with a brand new news, I can say. And mind-shaking news is here. Basically, मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आई हूँ वो ये है कि यूपीएससी का डेट शीट जो है या एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो रिवाइज्ड जो कैलेंडर है जिसके लिए हम सभी इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है. यूपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर आउट कर दिया है जिसके बेसिस पर अब हम अपनी प्रिपरेशन को गियर अप कर सकते हैं. वी हैव टू बकल अप, वी हैव टू स्टार्ट आर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे एज ऑफ नाउ, बिकॉज टाइम मिला है हमें तो हमें उसे यूज़ करना होगा एंड वी हैव टू स्टार्ट दिस टाइम. ओके, ये गोल्डन चांस है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें लगता था कि थोड़ा वक्त और मिल जाता तो शायद हम अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना. या जिन्हें लगता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा कहीं लैक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है. यू गेट द टाइम ऑफ फोर मंथ्स का टाइम आपको मिल चुका है. आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए. यस, यूपीएससी का नया जो है डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है. यू कैन सी इट हेयर, देख सकते हैं आप इसे आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये न्यू कैलेंडर है यूपीएससी का जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं, जो फॉर्म फिल हुए थे वो 12th February 2020 से स्टार्ट होकर 3rd मार्च 2020 तक चले थे. उसी के साथ में इसकी 31st मई जो है वो लास्ट एग्ज़ाम डेट थी, लेकिन वो COVID-19 और लॉकडाउन के चलते उसे एक्सटेंड कर दिया गया है. न्यू डेट इज़ 4th of October 2020. इट्स संडे टुडे. अब कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है जिन्होंने EPFO का फॉर्म भरा है कि EPFO की डेट भी 4th अक्टूबर थी और सिविल्स की डेट भी 4th अक्टूबर है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि EPFO जो है उसकी डेट्स भी रिवाइज होगी. आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कैलेंडर भी अवेलेबल होगा और उसी के अलावा एक न्यू नोटिफिकेशन भी यूपीएससी के कैलेंडर यूपीएससी की वेबसाइट पे जारी हुआ है कि ईपीएफओ की रिवाइज्ड डेट शीट आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी. ओके, सो दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एज वेल एज यूपीएससी, उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि 4th अक्टूबर इज़ द डेट, न्यू डेट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. And for EPFO, you have to wait for few days because you will get the official notification from UPSC. Okay, so don't get tensed or don't get nervous about it or don't get confused about it. EPFO जो clash हो रही है dates, वो आपको new dates recently कुछ ही दिनों में available हो जाएगी. उसी के साथ में civil services की जो date है वो रिवाइज हो गई है और हम उसका वेट कर रहे थे. 31 मई को डेट्स अनाउंस होने वाली थी जिसकी जो है अनाउंसमेंट की ये रद्द हो जाएगा ये एग्ज़ाम या ये एक्सटेंड होगा. सॉरी, ये जो न्यूज़ है ये हमें May 1st week में ही मिल गई थी. उसी के साथ में ये भी बता दिया गया था कि May 20th तक हमें न्यू डेट्स भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उस डेट को एक्सटेंड करके 5th of June कर दिया गया था और जैसा कि आप सब जानते हैं टुडे इज़ 5th of June एंड न्यू कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है जिसके अंदर हमें यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की न्यू डेट्स मिल चुकी है. इसी के साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज, जियो साइंटिस्ट सर्विसेज और भी CDS, NDA सबकी जो डेट्स हैं वो रिवाइज होकर के हमारे पास में अवेलेबल हो चुकी है. ओके, सिविल सर्विसेज मेंस, अब आपके दिमाग में आएगा सिविल सर्विसेज मेंस का क्या होगा, वो कब होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जामिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं 8th of January डेट दी है यूपीएससी ने. जो न्यू डेट दी है वो 8th of January फ्राइडे जो है वो न्यू डेट दी है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए. ओके, सो गाइस हियर इट इज़ द न्यू कैलेंडर जो कि यूपीएससी ने रिलीज़ किया है आज ही अभी कुछ देर पहले, और इसीलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है या ये डाउट हो रहा है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं, इज़ दिस ट्रुथ और हम लोग सिर्फ फेक न्यूज़ पढ़ रहे हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल सच्ची और पक्की न्यूज़ है क्योंकि आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी. यूपीएससी और आई कैन से सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 की जो डेट्स है वो रिवाइज हो चुकी है. 4th of October 2020 डेट है. ओके, सो डोंट फॉरगेट इट, इट इज़ संडे एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट.
और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगले 4 महीने हैं हमारे पास में और इन 4 महीनों में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जल्द ही आपके साथ में एक प्लान्ड शेड्यूल जो है आपके टारगेट को, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए अचीव IAS आपके साथ में एक प्लान्ड शेड्यूल शेयर करेगा, जिसके तहत इन 4 महीने में कैसे आपको तैयारी करनी है वो सारा जो है शेड्यूल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यदि आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको सारा कन्फ्यूजन जो है आपके माइंड से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा सारा कन्फ्यूजन कि कैसे आपको मेंस और प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर करना है। ये जो कन्फ्यूजन है वो जल्दी ही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन, जस्ट बकल अप नाउ, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब आपको प्रूव करना है कि येस आप 4 मंथ्स की प्रिपरेशन में भी UPSC को क्रैक कर सकते हैं। इवन ये 4 मंथ्स आपके लिए मेंस को भी प्रॉफिट देंगे, इसलिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन नाउ, आई एम गोइंग टू टेक अ प्लान शेड्यूल फॉर यू एंड जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दिस शेड्यूल, बिकॉज जल्दी ही हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस शेड्यूल के थ्रू। ओके, सो कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, स्टार्ट लर्निंग। ओके, नाउ यू हैव टू अचीव योर गोल्स एंड फॉर दैट यू हैव टू मोटिवेटेड योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्टार्ट योर सेल्फ। ओके, एंड फॉर दैट आई एम हेयर, वी अचीव IAS इज हेयर टू हेल्प यू। ओके, सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, दिस वॉज मी आयुषी जोशी। एंड जल्दी ही मैं आपके लिए नया कोर्स लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडीज़ करनी है, कैसे कवर करना है कोर्स को। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपका प्रिलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्टैटिक पोर्शन को जो पढ़ने के लिए जो आपको टाइम मिला है रिवाइज करने के लिए, उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन भी बढ़ जाता है। तो हमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग तीनों को साथ में लेकर चलना है और UPSC प्रिलिम्स 2020 एज वेल एज मेंस 2020 को क्रैक करना है। ओके, थैंक्स फॉर बींग विथ मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे एक ब्रांड न्यू सेशन के साथ में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे UPSC का पूरा शेड्यूल जो कि हमें UPSC प्री क्लियर करवाएगा, एज वेल एज मेंस के लिए भी हम ट्राई करेंगे कि हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट लर्निंग, एनी इशू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इशू जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर फॉर यू ओनली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।